सब्सक्राइब कीजिए देसी इंडियन फूड को एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे उड़द दाल और आलू का बोंदा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ले लिया है आधा किलो उड़द दाल लिया था हमने, ये बिना छिलके वाला उड़द दाल हमने ले लिया है और इसे हमने 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था और ये अच्छी तरह से फूल चुका है और इसे हमने 3-4 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे हमने लिया है 2 प्याज, इसे हमने बारीक कट कर लिया है, 2 हरी मिर्चे, इसे भी हमने बारीक कट कर लिया है, बारीक कट किया हुआ धनिया, और यहाँ पे हमने लिया था 1 इंच अदरक, इसे हमने बारीक कट कर लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है काली मिर्च, इसे हमने दरदरा कूट लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है साबुत धनिया, इसे भी हमने दरदरा कूट लिया है, 3 आलू ले लिया है और इसका छिलका हमने निकाल लिया है, तो इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस कर लिया है और इसे हम 3-4 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। तो इसे हमने 3-4 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, जो इसका स्टार्च है वो सब निकल चुका है। एक मिक्सिंग जार, और अभी इसमें हम डाल देंगे उड़द की दाल जो हमने भिगो कर रखा था, और इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हो कि हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, तो अभी इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। डालेंगे कद्दूकस किया हुआ आलू, इसमें हम डालेंगे बारीक कट किया हुआ प्याज, बारीक कट किया हुआ हरी मिर्च, बारीक कट किया हुआ धनिया, बारीक कट किया हुआ अदरक, और अभी इसमें हम डालेंगे दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च, दरदरा कूटा हुआ धनिया, हमने साबुत धनिया ले लिया था, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो, 1 चम्मच जीरा, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल रखा था गर्म होने के लिए और ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, हमने यूज किया हुआ ही तेल लिया था और अभी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हम बूंदा बनाना स्टार्ट करेंगे। एक एक बूंदा हमें फ्राई कर लेना है। हमने सारे बूंदे डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए और गैस का फ्लेम हमने स्लो मीडियम पे कर लिया है। इसे हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसे हम दूसरी साइड से पलट लेंगे। इसे हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उड़द दाल और आलू का जो बोंदा है वो बनकर रेडी हो चुका है, और इसके साथ आप चाहे तो सेजवन चटनी या फिर इमली की चटनी या फिर हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।